सो हम लोगों ने 2022 के बेस्ट एल्बम चेक कर लिए, 2022 के बेस्ट ड्रिल ट्रैक्स भी चेक कर लिए, और अब टाइम है 2022 के बेस्ट हुक चेक करने का। सो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन डाला था कि 2022 के बेस्ट DHH हुक्स कौन कौन से हैं। तुम लोगों ने बहुत सारे सॉन्ग सजेस्ट किए जिससे मुझे इस वीडियो बनाने में कुछ हद तक हेल्प भी हो गया। सो अगर तुम लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर सकते हो, और इसी तरह की Q&A और स्टोरी जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं वो मैं रेगुलर इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। सो 2022 में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटिव हुक्स देखने को मिले हैं, और उसमें से बेस्ट हुक चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। फिर भी मैंने मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट 10 हुक्स तुम्हारे लिए इस वीडियो में फीचर किए हैं। सो पहले तो तुम्हें इस वीडियो में मेरे फेवरेट 10 हुक्स सुनने को मिल जाएंगे, उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल मेंशंस भी किए हैं, और लास्ट में बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग कौन सा हुक है वो हुक ऑफ द ईयर डिजर्व करता है 2022 के लिए। सो अगेन हमेशा की तरह एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, तो एंटरटेन हो कि जाओगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मेरा दिल करे तुझे बाहों में भरूं, जाना हर पल तेरे बारे सोचा करूं, तेरे सिवा किसी पे भी नजर नहीं डाली, आज न्यू ईयर है तो प्रपोज करूं, तू है मेरे साथ में तो सदा मौज करूं, आज के लिए तेरे सारे डाउट करूं, क्रिकेट मैंने। सो गाने का नाम है न्यू ईयर पार्टी और आर्टिस्ट है शैडो रैपर। सो भाई ने न्यू ईयर के लिए एक पार्टी ट्रैक ड्रॉप किया है, बढ़िया ट्रैक है, डिसेंट ट्रैक है। मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना भाई की चैनल जाकर ड्रॉप कर देता हूँ। रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें ट्रैक अच्छा लगता है तो भाई को तुम बता सकते हो, अगर कुछ चीजें पसंद नहीं आती है तो भी फीडबैक दे सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो, और अब हम चेक करते हैं बेस्ट हुक्स ऑफ 2022। तो लिस्ट का जो पहला हुक है, दिस इज फ्रॉम अ ट्रैक ट्रैफिक जैम, जो हमें डिवाइन के एल्बम गुनहगार में देखने को मिला था, एंड आर्टिस्ट इज ऑब्वियसली डिवाइन। देखा है तेरे अब्बा जान भूखे जैसे रमजान, जरा काम जरा दाम, सब ये आउटसाइड लाइक इट्स ट्रैफिक। तो ये जो हुक है ये पहली बार हम लोगों ने गुनहगार के टाइटल ट्रैक के लास्ट में सुना था, और जब मैंने ये हुक सुना था आई वाज लाइक भाई क्या तगड़ा हुक बनाया है डिवाइन ने। डिवाइन ने हुक में एक ओल्ड स्कूल वाइब डाला है, थोड़ा सा गैंगस्टर टच है, और ओवरऑल ये जो हुक है दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हुक जो हमें 2022 में देखने को मिला है। ओके, अब हम आ जाते हैं लिस्ट के सेकेंड हुक पे, और इस हुक के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि इस हुक को फीचर करूं या फिर एक और हुक है जो शायद तुम लोग को स्पेशल मेंशन में सुनने को मिल जाएगा उसको फीचर करूं, तो मैंने फाइनली इसे फीचर कर दिया है। ट्रैक का नाम है होशियार, आर्टिस्ट है सीधे मौत। So, अगर तुम लोगों ने मेरा एल्बम ऑफ द ईयर वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ कि नायाब जो है वो मैंने उसमें डिक्लेयर किया था एल्बम ऑफ द ईयर, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, और उसमें से एक रीजन ये है कि इस ट्रैक के कुछ हुक जो है वो इतने प्यारे हैं और इतने ज्यादा ग्रूवी है कि अगर तुमने एक बार उसे सुन लिया तो तुम उसके बाद उस ट्रैक को, उस हुक को लूप पे सुनने वाले हो, और उसमें से एक हुक है होशियार। ट्रैक का जो हुक है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, मेलोडी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, एंड डेफिनेटली होशियार इज वन ऑफ द बेस्ट हुक ऑफ 2022। चलो अब हम आ जाते हैं अपने लिस्ट के तीसरे हुक पे, और इस ट्रैक का नाम है वो, आर्टिस्ट है इक्का, डीनो जेम्स एंड बादशाह। हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में। सो मुझे लगता नहीं कि इस हुक को इस लिस्ट में देख के कोई भी सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि ये हुक जो है इस लिस्ट में 100% होना डिजर्व करती है। हम बात कर ले कंपोजिशन की, हम बात कर ले लिरिक्स की, स्ट्रक्चर की, या फिर मेलोडी की, इस हुक के बारे में सब कुछ परफेक्ट है, एंड दिस हुक बाय इक्का इज डेफिनेटली अ कंटेंडर फॉर हुक ऑफ द ईयर। ओके, चलते हैं अब अपने अगले ट्रैक पे। ट्रैक का नाम है नहीं है वो, आर्टिस्ट है शाहरुख। मेरे जैसे नहीं है वो, मेरे जैसे नहीं है वो। तो शाहरुल इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो हुक में हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, और शाहरुल के साइड से पास्ट में भी हमें बहुत ही क्रिएटिव और बढ़िया हुक सुनने को मिले हैं, एंड दिस हुक इज वन ऑफ देम, रियली गुड एंड कैची हुक बाय शाहरुल। ओके, अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे, अगले हुक पे, जो हमें रफ्तार भाई की रीसेंट ईपी में सुनने को मिली थी। इस ट्रैक का नाम है 36, आर्टिस्ट है रफ्तार फीचरिंग कर्मा। मुझको 36 चाहिए बंगले, मुझको 36 चाहिए गाड़ी, मुझको अपने घर पे चाहिए हर दिन ही दिवाली, भारत जितना। तो इस ईपी में बहुत सारे ऐसे ट्रैक है जिसकी हुक जो है मुझे बहुत सही लगी थी, मे भी वो सारे ट्रैक तुम्हें स्पेशल मेंशन में सुनने को मिल जाए, बट एक ट्रैक का हुक जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है वो है
36। इस हुक में एक रेज है, एक एनर्जी है, एक एग्रेशन है जो बीट के साथ हमें साथ में कंबाइन होकर फील होती है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। सो दैट्स व्हाई फॉर मी दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हुक ऑफ 2022। ओके, चलते हैं अब अपने अगले हुक पे, और ये हमें MTV हासिल में सुनने को मिला था बाय पैराडॉक्स। गाने का नाम है जादूगर। तो ये मेरा फेवरेट हुक होने के साथ साथ 2022 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हुक भी है, जो पूरे इंडिया में लोग हर जगह पे प्ले कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं अपने अगले हुक पे। ये जो हुक है ये थोड़ा सा कमर्शियल जरूर है, बट 2022 का डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हुक है, और मैंने इसे खुद लोगों को साथ में गाते हुए सुना है जब मैं किंग के कॉन्सर्ट में गया था। ट्रैक का नाम है मान मेरी जान, आर्टिस्ट है किंग। तो हम लोगों ने ये MTV हसल से ही देखा है, चाहे माहौल हो, गुमशुदा हो, या फिर जो हमें उनके पहले एल्बम में देखने को मिला था तू आके देख ले और अब मान मेरी जान। किंग जो है ये हुक में हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और हमेशा एक ऐसे हुक के साथ आते हैं जो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में वायरल हो जाता है। तो दैट्स वाई मान मेरी जान डिजर्व्स टू बी इन दिस लिस्ट। और ऐसे ही नहीं भाई, 20,000-25,000 लोग किंग के कॉन्सर्ट में एक साथ ये हुक को गाते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने अगले हुक पे, और ये हुक हमें बहुत ही रिसेंटली सुनने को मिला था। ट्रैक का नाम है प्यार है, आर्टिस्ट है एमी वेवंटा। हाँ मुझे प्यार है, सिर पे तू सवार है, मानता नहीं हार क्योंकि तू। तो पहले एमी वेवंटा ने इस हुक का स्निपेट अपने इंस्टाग्राम पे प्ले किया था, उसके बाद ये ट्रैक जो है ये ऑफिशियली रिलीज हुआ। और जब मैंने पहली बार ये स्निपेट सुना था, मुझे लगा था दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हुक जो मैंने 2022 में सुना है। एमी वेवंटा भी हुक के साथ बहुत अच्छे, और पास्ट में एमवी ने भी हमें बहुत बढ़िया बढ़िया हुक दिया है, एंड दिस वन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एंड स्पेशली माई फेवरेट हुक फ्रॉम एमी वेवंटा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले हुक पे, और ये जो हुक है फिलहाल बच्चे बच्चे के जुबान पे है, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ी सी गालियां भी है इसमें, पर ये हुक अभी करेंटली बहुत ज्यादा वायरल है। ट्रैक का नाम है बस्ती का हस्ती, आर्टिस्ट है MC Stan। बस्ती का हस्ती मैं मालूम क्या किधर से आता पीछा हम बेबी मैं तुम लोगों। तो मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू में MC Stan को बोलते हुए सुना था कि वो MC है, वो रैपर नहीं है, इसलिए उन्हें हुक गाने नहीं आता है, मतलब वो हुक बनाना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ वर्स स्पिट करना जानते हैं। बट मुझे बताना पड़ेगा किसी को MC Stan को जाके कि वो हुक भी बढ़िया बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रैक बस्ती का हस्ती हो गया, या फिर एक दिन प्यार हो गया, या फिर और भी कुछ ट्रैक है उसका हुक भी बहुत बढ़िया है। मतलब अगर हम 2022 की बात करें, बस्ती का हस्ती ऑफ MC Stan डेफिनेटली हैज वन ऑफ द बेस्ट हुक्स। ओके, अब हम आ जाते हैं लिस्ट के लास्ट हुक पे, इसके बाद तुम्हें स्पेशल मेंशन सुनने को मिलेंगे जैसा मैंने बताया था। ट्रैक का नाम है चमकीला चेहरा, आर्टिस्ट है बादशाह। चेहरा है चमकीला, महज पीना आई तू परियों के जहां। तो इस साल बादशाह के साइड से हमें बहुत सारे कमर्शियल ट्रैक सुनने को मिले। बादशाह भाई ने अपनी एक एल्बम भी निकाली रेट्रो पांडा, और उसमें हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था चमकीला चेहरा। और बाकी ट्रैक्स अगर हम इस ट्रैक को कंपेयर करें, इस ट्रैक की हुक जो है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी सुनने में, और अभी भी मैं इसे सुना करता हूँ। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हुक फॉर मी जो हमें 2022 में सुनने को मिली है। ओके, सो दिस वाज इट, ये थे मेरे अकॉर्डिंग साल के 10 बेस्ट हुक, और इसमें मैंने हार्डकोर हुक और कमर्शियल हुक दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि भाई इंडीड सारे ट्रैक DHH के पार्ट ही हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं कुछ स्पेशल मेंशंस, और ये जो स्पेशल मेंशंस की लिस्ट है ये बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था 2022 में हमें बहुत सारे अच्छे हुक सुनने को मिले हैं। सो अगर तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट मिस हो गए हैं, अगर तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट का हुक मिस हो गया है, तो भाई डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि तुम्हें वो यहाँ पे सुनने को मिल जाएंगी। सो हियर आर सम स्पेशल मेंशंस फॉर यू गाइस। मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी ब्लोइंग अप मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को आई डोंट लाइक टू टॉक दैट मच गोइंग अप नीचे आऊंगा नहीं अब कभी हुड में तो आ अकेला नहीं झूम ले गया पूरी गैंग ले गया कभी हुड में तो आ अकेला नहीं झूम ले पूरे वक्त ने मजबूत बनाया मुझे मैं भारी पड़ गया जिसने हल्के में लिया मुझे आई वांट टू से F-16 ho jama higher come to employee one fire tez raftaar lagda main nayar baithe kar bas game over aayi phir didiya
और घोड़े गेम ओवर गट्टी जट ने भी टोर घोड़े बैटमैन जब क्रूज इन टू नाइट डार्क नाइट वाली वाइब यो ऑल ग्रीन लुक ओ No other place I'd wanna be. I pop these pills like painkillers. It might kill us. The pain might kill us. Ven a tu cadera, cara. Nishu, 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 nishu. Naam mera sun nishu. Hari hari patti pisu. बचपन से ही कुत्ते चीसू. Okay, so ये हम लोगों ने 2022 से कुछ best hook चेक कर लिए. और अगर तुम मेरी से पूछोगे कि मेरे अकॉर्डिंग टू मी कौन सा हुक जो है वो हुक ऑफ द ईयर है, सो फॉर मी हुक ऑफ द ईयर इज वो बाय इक्का, डीनो जेम्स एंड बादशाह. तुम लोग बताना तुम्हारे हिसाब से हुक ऑफ द ईयर कौन सा है, या फिर टॉप थ्री हुक जो हमें 2022 से सुनने को मिले हैं वो कौन सा है, कमेंट करके बता सकते. सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. चैनल पे पहली बार आया हूं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो. बाकी भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वो चैनल भी चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. और दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. तुम इस वीडियो को एज अ पॉडकास्ट भी चेक सुन सकते हो स्पॉटिफाई पे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स अगेन. थैंक्स अ लॉट.